मेरे रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब रब ना ना माने तो फिर वो कमज़ोरों के सदके मान जाता है, फिर वो ज़ईफ़ों के सदके मान जाता है। फरमाया अल्लाह तुमसे बारिशें रोकना चाहता है पर तुम्हारे ज़ईफ़ों कमज़ोरों गरीबों के सदके मजबूरों के सदके वो तुम पर बारिशें बरसाता है। हुज़ूर फरमाते हैं रुब्बा शगाज़ा अगबरा लव अक्समा अलल्लाह ला बर्रा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके बालों में खाक पड़ी होती है, चेहरों पे मिट्टी उलझे हुए होते हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह पे कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम भी पूरी कर देता है, कसम भी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, इब्ने कदामा ने लिखा है, फरमाते हैं बारिश नहीं होती थी मक्के में, कहत पड़ गया तो सब लोग मस्जिदुल हराम से बाहर खुली जगह में निकले दुआ करने के लिए, सब अपनी अपनी दुआएं कर रहे थे। तो मैं थोड़ा बाहर हुआ तो अचानक एक गुलाम आया, काला स्या रंग, दो रकते नमाज पढ़ के तो हाथ फैलाए तो कहने लगा अल्लाह मुझे पता है ये जो कुछ भी हुआ है मेरी नाफरमानियों की वजह से हुआ है। तू नाराज हो गया ना, तूने बारिश रोक ली, नाराज हो गया ना, हमें सबक सिखाना चाहता है ना, ये किसी और की वजह से नहीं, ये सिर्फ मेरी नाफरमानियों की वजह से हुआ। अल्लाह रहम फरमा, तेरे बंदे थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, कमज़ोर हैं, डर जाते, गुलाम है, दुआएं मांग रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं उसने चेहरे पे हाथ फेरे तो काली घटाएं छा गई, बारिश होने लगी। मैं उसके पीछे गया, उसका घर ढूंढ आया, ताकुब किया, पीछा किया, घर मैंने तलाश कर लिया, और घर को तलाश करके जब मैं वापस आया तो मैंने हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ से ज़िक्र किया तो कहने लगे किसी तरीके से उसे हासिल करो। फरमाते मैं उसके घर गया, उसके मालिक ने मुझे देखा तो कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मेरे घर, इतने बड़े वली, इतने बड़े दरवेश, इतने बड़े मुहद्दिस। मैंने कहा तेरा गुलाम चाहिए, उसने कई गुलाम दिखाए, मैंने कहा नहीं ये नहीं, उसने कहा ये बड़े बड़े अच्छे हैं, कोई से भी आप ले ले, ख़रीद ले, मैंने कहा नहीं। फिर वो लागर साहब, वो कमज़ोर साहब, वो ज़ईफ़ सा निकल करके आया, मैंने कहा ये मुझे दे दो, तो कहने लगा ये तो बेचारा बेज़रर सा आदमी है, क्या लेके करेंगे। मैंने कहा नहीं मुझे यही चाहिए। मैं उसको साथ लेके चला तो रास्ते में पूछने लगा कहा मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी, मुझे क्यों ख़रीदा, आप मुझसे क्या खिदमत लेंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाने लगे मैंने कहा कोई खिदमत भी नहीं लूँगा, मैं तो ख़ुद तेरी खिदमत करूँगा, मैं तेरा ब्याह कराऊंगा, तेरे लिए मकान बनाऊंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरा और तेरे रब का रिश्ता देख चुका हूँ, मैं तेरा अपने मालिक के साथ जो ताल्लुक है उसे देख चुका हूँ। कहते मैंने ये लफ्ज़ कहे तो मुझे कहने लगा दो रखते पढ़ लूँ, अब मुझे ले जाना पर दो रखते पढ़ लूँ। कहते मैंने कहा पढ़ लो, तो दो रखते पढ़ने के बाद मेरी तरफ देख के कहने लगा आका मुझे अपना हक माफ़ कर देना, मैं खिदमत नहीं कर सका। फिर कहने लगा अल्लाह राज तो खुल गया, ए अल्लाह राज तो खुल गया, अल्लाह तेरा मेरा मामला था, राज तो खुल गया, राज तो खुल गया, अल्लाह राज तो खुल गया, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दत और राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में, अल्लाह राज खुल गया। ये लफ्ज कहते 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 उस शख्स ने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवास कर गई, उसकी रूह ही परवास कर गई। तो कभी इन कमज़ोरों के ज़रिए भी अल्लाह को मनाया जा सकता है, तो रब को मनाने की कोशिश करें, उसके हुजूर इज्ज़ की कोशिश करें। हर आदमी अपने घर में बैठकर, अपने मुसल्ले पे बैठकर, तन्हाई में बैठकर उससे कहे, और याद रखना वो बड़ा करीम है और वो बड़ा कदीर है, बड़ा कादिर है, एक मिनट लगाता है और हर चीज़ उसके करम में नहा जाया करती है, उसके फजल में हर चीज़ नहा जाती है। बूढ़े भी दुआएं करें, माएँ भी दुआएं करें और बच्चे भी दुआएं करें, आज दुआओं की रात है, खुल कर दुआ करें कि अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हमें समझने की भी तौफीक अता फरमाए।